जैसे कि मतलब ये जो हम लोग का इस लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया है, इसमें जो लोग जो जरूरतमंद है वो भूख से जो जूझ रहे हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखकर बीके फाउंडेशन की ओर से विगत 10 मई को हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और आज दूसरा दिन है। आज हम इस कार्यक्रम के सजन से हम सीधा यहाँ पे बस स्टैंड में यहाँ रैन बसेरा जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग आज भी भोजन के लिए ललायित हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो संस्था उनको मतलब भोजन देने का नहीं समर्पित करने का काम कर रही है। क्योंकि जब भी बात समर्पण की आती है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे एक झुकाव होता है और एक आपस में जो एक भाईचारे का जो एक मैसेज होता है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और किस संगठन के द्वारा ये किया गया है? देखिए, बी केयर फाउंडेशन एक राष्ट्रीय संस्था है जो आए दिन सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में बनी रहती है और ये संस्था इस कार्यक्रम को विशेष रूप से श्रीराम के जो जनता जनार्दन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो प्रॉब्लम है, ये संस्था इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हम लोग इस कार्यक्रम में और भी से जो संस्थाएं हैं, सोसाइटी है, हेल्थ ग्रुप है, यूनिटी क्लब है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, तो ये संगठन मतलब अपने शारीरिक रूप से ये सहयोग करने के तौर पे उन लोग भोजन बांटने में हमें सहयोग कर रही है, इनको बहुत बहुत दिल से आभार है। और मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जो सिवान में संगठन है वो संगठन भी मिलजुल कर काम करें। कहने का मतलब है कि ये जो संगठनों का जो नीति है, अगर मतलब अगर तत्पर हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि इस मुसीबत में जो हम लोग की परेशानियाँ हो रही है। कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम एक हफ्ते का हम लोग का टारगेट है और ये दूसरा दिन है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, अरविंद जी कौन कराएगा? देखिए, एक सामुदायिक किचन भी जिला की तरफ से चलाया जा रहा है और हम लोगों को अगर वैसा कुछ अगर रिक्वायरमेंट लगा कि नहीं, हम लोग पता करवा रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत है, अगर भोजन के लिए वो लोग मतलब परेशान है या उनको नहीं मिल रहा है, अगर वैसा लगेगा तो हम लोग रात के लिए भोजन, लेकिन हमने एक टाइम का भोजन इसलिए रखा है इस दिन में जो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसे जिला प्रशासन इस सामुदायिक किचन के माध्यम से इसको अंजाम दे रहे हैं। बी केयर फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे भोजन भी किया जा रहा है। बी केयर फाउंडेशन के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि आप लोग समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोग आप लोगों को अधिक जानकारी है कहाँ पे रैन बसेरा है, कहाँ पे अधिक लोग की जरूरत है, तो उससे जानकारी मिला, हम लोग उसमें शामिल हुए। लोग बी केयर फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग कदम कदम बढ़ाकर चल रहे हैं, लोग जहाँ जहाँ समस्या हो रही है समस्या का हम लोग आकलन कर रहे हैं। लोग बी केयर फाउंडेशन ने हमें हमसे कहा कि आपकी नज़र में कोई भी जरूरतमंद हो, अगर सूचना मिलता है तो हमें सूचना दीजिए, हम लोग अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास करेंगे। हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लोग एक जीतों को और मदद करेंगे। यहाँ वी केयर फाउंडेशन द्वारा असहायों दबे कुचले लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को चारों तरफ से ये मिला था, इन्फॉर्मेशन मिला था कि बहुत लोग यहाँ भूखे रह रहे हैं, इसलिए वी केयर फाउंडेशन ने हमें सूचित किया कि सर आपका अगर इसमें सहयोग रहेगा कि आप यहाँ आके और लोगों को अपनी आत्मीयता मानवता का परिचय दें तो हमारा सहयोगी के रूप में आप रहें, तो मैंने यहाँ आके और इन लोग का साथ दिया और ये अच्छी बात है। और ये लोग अभी ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा। क्या पहल है? सबसे पहले तो मैं सभी सिवान वासियों को मानसिक रोग तरफ से तो मैं संतुष्ट कर ही रहा हूँ, गीत सुना रहा हूँ, संगीत सुना रहा हूँ, मगर इस तरह का जो काम जो वी केयर फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और जो है लोगों के सेवा के लिए रोड पर निकल चुका हूँ और सभी लोगों को जो भूखे लोग हैं उनको हम लोग जो है पैकेट दे रहे हैं।